जय बालाजी पैकेजिंग टूर्स लाए हैं एक और शानदार ट्रिप। 10 मई से 19 मई तक शिमला, कुल्लू मनाली और चंडीगढ़ जैसे हसीन शहरों में आपको घुमाया जाएगा सिर्फ 16,500 रुपए में, जिसमें मणिकरण गुरुद्वारे में भी आपको दर्शन करवाया जाएगा। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिन्यानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। उल्हासनगर शहर के भाजपा के वरिष्ठ नगर सेवक राजेश वद्रिया ने गत दिनों पंजाब चुनाव के नतीजे आने के बाद एक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर सिख समाज काफ़ी नाराज हुआ उनसे। इसी को लेकर सिख समाज के द्वारा एक नंबर पुलिस स्टेशन उल्हासनगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। आइए देखते हैं सिख समाज के लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह से राजेश वद्रिया के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। जी सर, देखिए ये मामला कुछ ऐसा था कि हाल ही में आपने देखा होगा कि 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, जिसमें से मुख्य जो पंजाब राज्य था उसमें जो आम आदमी पार्टी की बहुमत में विजय हुई थी, सो वहाँ पर उनको देखते हुए जो उल्हासनगर के महानगर पालिका के नगर सेवक हैं राजेश वद्रिया जी, उनके तरफ से एक UMC ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पर उन्होंने एक स्टेटमेंट पोस्ट की थी कि जो पंजाब में सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, वो खालिस्तानियों द्वारा बनाई गई है, जो एक ये एक बहुत ही गलत तरीका और शर्मनाक तरीके का ये पोस्ट थी, उन्होंने ये वहाँ पर डाली। तो इस पोस्ट को जब ये हम लोग ने देखा तो हमारा सिख समाज काफ़ी नाराज़ हुआ और आक्रोश में आ गया कि ये किस तरीके का वाहियात तरीके का ये पोस्ट इन्होंने डाली है। तो काफ़ी हमारा सिख समाज इससे नाराज़ हुआ और हमने इस विषय को काफ़ी गंभीरता से लिया, क्योंकि ये एक खालिस्तानी शब्द कहना अपने आप में एक कहते हैं कि उसको हम बोल नहीं सकते कि उन्होंने ये शब्द कैसे यूज़ किया है। सो इस बात को लेकर पूरा सिख समाज नाराज़ हुआ और हमने एक नंबर पुलिस चौकी वहाँ पर हमने एक अर्ज दाखिल किया कि इनके ऊपर जो धाराएं बनती है उनके तहत ये मामला दर्ज होना चाहिए, गुना दाखिल होना चाहिए। सो हमें पुलिस की तरफ से बहुत ही अच्छा सहयोग मिला और जो भी उनके ऊपर जो उनकी स्टेटमेंट थी उनके आधार पर ये आप देख सकते हैं उनके ऊपर ये गुना दाखिल हुआ है। सो मैं यही करना चाहूँगा कि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि मैं किस तरह की पोस्ट ग्रुप में डाल रहा हूँ कि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से पूरे शहर को, आम जनता को ये कहना चाहूँगा कि जो ये शब्द खालिस्तानी शब्द है, पहले तो बहुत से लोगों को इसका अर्थ ही पता नहीं है कि ये शब्द क्या है, पहले इसका अर्थ समझिए उसके बाद टिप्पणियाँ करें। सो मैं यही कहना चाहूँगा उल्हासनगर में जो नौजवान है सिख समाज के काफ़ी सक्रिय हैं, आप ऐसे कोई बाइट या कोई ऐसे सोशल मीडिया में पोस्ट न डालें कि उसमें आपको बाद में उसका खामियाजा भुगतना पड़े। वहीं NCP प्रवक्ता कमलेश निकम ने भाजपा नगर सेवक राजेश वद्रिया द्वारा की गई टिप्पणी की निंदा की है। आइए देखते हैं कमलेश निकम क्या कह रहे हैं। मुझे भी अभी अभी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि हमारे उल्हासनगर के सिख समाज के जो युवा हैं उन्होंने एक मामला उल्हासनगर के नगर सेवक राजेश वद्रिया के ऊपर एक मामला दर्ज किया है उल्हासनगर एक नंबर पुलिस स्टेशन में। मामला ये है कि उल्हासनगर के सोशल मीडिया के माध्यम से एक नगर सेवक और प्रशासकीय अधिकारियों का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में उन्होंने लिखा कि आम आदमी पार्टी की जो राज्य के पंजाब राज्य में जो सरकार आई है वो सरकार खालिस्तानियों की मदद से आई है। हमारे सिख समाज के युवा, हमारे सिख समाज का आम नागरिक, उल्हासनगर के, महाराष्ट्र के सिख समाज का बहुत बड़ा अपमान हुआ है। खालिस्तान का दर्जा देना राज्य की सरकार कोई भी हो, कोई भी पक्ष की हो, कोई भी पार्टी की हो, पर इस तरीके का दर्जे देना, हमारे सिख समाज ने इस देश के स्वतंत्र के लिए क्या बलिदान दिया, हमारे देश के अंदर सिख समाज के लोगों ने इस बलिदान देकर इस देश को स्वतंत्रता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बलिदान देने के बाद उनको इस तरीके से अपमानजनक बात करना। आज राजेश वद्रिया के ऊपर IPC 500 के तहत उल्हासनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है और युवाओं की एक ही कहना है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, जिन्होंने हमारे समाज की बदनामी की,
जिस समाज ने देश के स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया, जो हिंदुस्तान को स्वतंत्रता के वक्त पर जिन्होंने अपने अपने परिवार को छोड़कर सड़कों पर उतर पड़ा, ऐसे समाज का अपमान करने वाला ये राजेश वद्रिया को मैं पुलिस से और महाराष्ट्र के होम डिपार्टमेंट से, हमारे महाराष्ट्र के मंत्री महोदय आदरणीय दिलीप वलसे पाटिल साहब से हम निवेदन करेंगे कि ऐसे नगर सेवक जिन्होंने हमारे सिख समाज का अपमान किया, इसको गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में डालना चाहिए। ऐसा नगर सेवक जिसने देश के स्वतंत्रता में जिस सिख समाज ने इतना बड़ा योगदान दिया, ऐसे समाज को खालिस्तानी कहना, ऐसे राजेश वद्रिया को जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए। मैं मेरी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तरफ से, कलानी परिवार के तरफ से निषेध व्यक्त करता हूं और जल्द से जल्द पुलिस कार्रवाई करेगी इसके ऊपर। मैं पुलिस प्रशासन और आदरणीय DCP साहब, ACP साहब सबको निवेदन करूंगा कि ऐसे नगर सेवकों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। कहां उनके ये वाणी से, उनके वक्तव्य से, उनके जो व्हाट्सएप पे जो वक्तव्य किया है, उस वक्तव्य से हमारे सिख समाज के युवाओं का, हमारे सिख समाज के सभी तमाम साथियों के भावनाओं को ठेस पहुंची, हमको ठेस पहुंची कि जिस समाज ने हमारे देश के लिए इतना बलिदान किया, उस समाज को इस तरीके की आम आदमी पार्टी की राज पंजाब राज्य में जो सरकार आई है उसमें इस तरीके की टिप्पणी करनी, जब पुलिस को लगा तो फिरियाद लेकर राजेश वद्रिया पर मामला दर्ज हुआ है। टाउन दर्शन न्यूज़, समाचार ही नहीं, विचार भी।